हेलो एवरी वन वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू तो आज से हम जो शुरू करने जा रहे हैं दैट विल बी अवर नेक्स्ट सेक्शन फ्रॉम योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बुक तो आज से हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा आपका तो जिस सेक्शन को हम शुरू कर रहे हैं दैट विल बी अवर सेक्शन बी दैट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तो आज से हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर जो है वो इसको स्टडी करेंगे सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री आ, ऐसा कोई केमिस्ट्री का के एग्जाम नहीं है जहाँ जहाँ पर आपके पास यहाँ से क्वेश्चन ना आया हो ठीक है यहाँ से आपके पास हमेशा ही तीन चार क्वेश्चन जो है वो हमेशा ही हर एक एग्जाम में बन के आते हैं चाहे वो आपका स्टेट लेवल का एग्जाम हो चाहे वो आपके सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम हो इंक्लूडिंग योर आई आई टी जैम वहाँ पर तो यहाँ से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन बन के आएंगे ठीक है चाहे आप इसके अलावा आप मास्टर्स एंड एम एस एंट्रांस का एग्जाम जब भी दोगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपके पास डेफिनेटली बन के आएगा ही आएगा ठीक है तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्रांच है ये केमिस्ट्री की नॉट ओनली दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बट इस ये जो हमारी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ब्रांच है ठीक है इसका हमारे पास रोल जो है वो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है इन अवर डेली लाइफ ठीक है वहाँ पे भी बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो प्ले करती है हमारे पास कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ठीक है हमारे पास यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल्स जो है वो भी इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ठीक है और उनके हमारे पास कुछ एक कंपाउंड्स बन के आएंगे विच प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ठीक है वो वाइडली प्रेजेंट होते हैं या तो प्लांट्स के अंदर एनिमल्स के अंदर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन रहेंगे इन सभी के तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है आपके लिए ये वाला तो आप सभी इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ें ठीक है और ध्यान से हर एक लेक्चर को सुने आ, क्योंकि ये जो टॉपिक रहेगा आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है लेकिन आप जब भी फ्यूचर में किसी भी एंट्रांस में बैठोगे चाहे आप आई आई दो रहे दे रहे हैं या फिर आप अदर कोई कमीशन देते हैं वहाँ पर आपके पास यहाँ से क्वेश्चन जो हैं वो डेफ़िनेटली पूछे ही जाएंगे और दिस इज़ अ वेरी फर्स्ट टाइम कि आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो है इसको पढ़ने जा रहे हैं आफ़्टर योर जो आपके पास प्लस वन प्लस टू के बाद आप ग्रेजुएशन में फर्स्ट टाइम इसको पढ़ेंगे तो आप सभी ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ें ठीक है तो तो हमारा जो सेक्शन रहेगा दैट इज सेक्शन बी दैट इज़ अवर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ठीक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तो इसके अंदर आपके पास ज़्यादा सिलेबस में आपके पास मैंशन तो नहीं है ठीक है लेकिन जितना भी है उसको हम करेंगे ठीक है इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर तो यहाँ पे तो हम सिर्फ थोड़ा सा ही पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर कि बेसिक्स हमारे पास क्या होते हैं किस तरह से इनका आई पी सी नोम क्लेक्चर है इसके अलावा हम जो हम अदर थिंग्स इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस की गई हैं वो मेनली आपके पास यही है कि आई पी एसी नोमन क्लेक्चर के अलावा हम स्टीरियो आइसोमरिज्म स्टडी करेंगे जो आइसोमरिज्म होगी हमारे पास कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सिस के अंदर इनको हम स्टडी करेंगे इसके अलावा हम एक कंसेप्ट आता है आपका इनर एंड आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स ठीक है उसको हम स्टडी करेंगे तो यहाँ से आपके पास इस चैप्टर के थ्रू आप स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाना सीख जाओगे कि हमारे पास स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो कैसे होंगे किस तरह की हाइब्रिडाइजेशन रहेगी तो ये सारी चीज़ें आप इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे बिसाइड uh, दैट आप यहाँ से सीखना स्टार्ट कर दोगे कि हमारे पास कम्प्लेक्स साइन क्या होता है लीगेंट्स क्या चीज़ होती है उनकी क्लासीफिकेशन क्या होती है ठीक है तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे तो अभी तो फिलहाल मैं ज़्यादा डिटेल हिस्ट्री में नहीं जाऊँगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की कि आपके पास किस तरह से फर्स्ट एवर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो आपके पास बन के आया किस तरह से आपके पास वर्नर जो साइंटिस्ट था हमारे पास उसने थ्योरी दी तो इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा तो हम जो आपका सिलेबस है उसी के रिगार्डिंग हम स्टडी करेंगे और जो एक कॉमन थिंग्स जो आपको मुझे लगता है कि आपको बतानी चाहिए और आप सभी को पता होना चाहिए तो इन चैप्टर के अंदर हम उन सभी को डिस्कस करेंगे वन बाई वन तो पहले तो बात करते हैं कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो होते हैं वो होते क्या हैं ठीक है तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारे पास अगर मान लो कोई सोल्यूशन है ठीक है अगर हमारे पास कोई सोल्यूशन है तो अगर हमने उसके अंदर दो या दो से ज़्यादा सॉल्ट जो है वो आपके पास एक सिंपल मोलर प्रपोर्शन के अंदर जो है हमने वो रखे हुए हैं ठीक है थीके? आपके पास एक सोल्यूशन है ठीक है और सोल्यूशन के अंदर हमारे पास क्या है कि आपके पास दो या दो से ज़्यादा हमारे पास सॉल्ट हैं और वो भी स्टोक्यूमेट्री में है ठीक है स्टोक्यूमेट्रिक प्रपोर्शन में है हमारे पास एक sol, एक सोल्यूशन है उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट सॉल्ट हैं ठीक है दो या दो से ज़्यादा सॉल्ट हैं लेकिन वो आपके पास एक स्टोक्यूमेट्रिक प्रपोर्शन में है दैट मीन्स एक सिंपल एक आपका मूलर प्रपोर्शन है और अगर मैं उस पूरे सोल्यूशन को अलाव करता हूँ कि वो एवेपोरेट हो जाए ठीक है जब वो सोल्यूशन इवेपोरेट हो जाएगा तो हमारे पास क्या होगा कि क्रिस्टल्स बन आएंगे के आएंगे नए कंपाउंड के ठीक है हमारे पास क्रिस्टल्स बनेंगे नए कंपाउंड के और उनको हम सेपरेट आउट करेंगे ठीक है तो मैंने क्या कहा कि हमारे पास एक सोल्यूशन है सपोज कि हमारे पास एक सोल्यूशन है ठीक है और uh, सपोज जैसे हमारे पास यहाँ पे एक सोल्यूशन है ठीक है दिस इज अवर सोल्यूशन यहाँ पे हमारे पास एक सोल्यूशन है ठीक है अब मैंने क्या कहा कि इस सोल्यूशन के अंदर हमारे पास डिफरेंट सॉल्ट हैं ठीक है मान लो यहाँ पे हमारे पास दो या दो से ज़्यादा सॉल्ट हैं ठीक है दो या दो से ज़्यादा सॉल्ट हैं लेकिन वो कैसे सॉल्ट है हैं वो है आपके पास डॉक्यूमेट्रिक प्रपोर्शन के अंदर ठीक है मतलब उनकी एक सिंपल मोलर रेशो है ठीक है अब मैंने क्या किया कि सोल्यूशन को मैंने इवेपोरेट होने दिया ठीक है अब ये सोल्यूशन इवेपोरेट हो गया जब सोल्यूशन इवेपोरेट हो जाएगा तब हमारे पास यहाँ से क्या बच जाएगा यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कुछ कंपाउंड जो है वो नीचे सेपरेट आउट हो जाएंगे दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो है वो सॉलिड कंपाउंड जो है वो जिस इस सोल्यूशन के अंदर थे ठीक है वो अब सेपरेट आउट हो जाएंगे अब ये जो कंपाउंड्स हैं ठीक है अब ये दो कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं ठीक है इन कंपाउंड्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे ठीक है वन इज नॉन एज अ डॉल सॉल्ट फर्स्ट जो है हमारा जिसको हम बोलते हैं डबल सॉल्ट ठीक है सेकेंड जो होता है हमारा दिस इज कॉल्ड एज अवर कोआर्डिनेशन कंपाउंड ठीक है सेकेंड इज कॉल्ड एज अवर कोआर्डिनेशन कंपाउंड ठीक है वन बाई वन इन दोनों को हम डिस्कस भी करेंगे इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है तो पहले अगर बात करें हम डबल सॉल्ट की ठीक है तो डबल सॉल्ट्स हमारे पास वो वाले कंपाउंड होते हैं ठीक है ऐसे कंपाउंडस जो कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टल लैटिस में ही एग्जिस्ट करते हैं ठीक है ऐसे कंपाउंड विच एग्जिस्ट ओनली इन विच एग्जिस्ट ओनली इन क्रिस्टलाइटिस ठीक है ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलाइटिस में ही एग्जिस्ट करते हैं द कंपाउंड विच एग्जिस्ट ओनली इन क्रिस्टलाइटिस लेकिन अगर मैं इन कंपाउंड्स को वाटर के अंदर डिजॉल्व करूँ या किसी और अदर सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व करूँ ठीक है मतलब ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलाइटीज में ही एग्जिस्ट करेंगे अगर मैं इन कंपाउंड्स को वाटर के अंदर डिजॉल्व करता हूं या किसी और सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व करूं तो क्या करेंगे ये जो इनके कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड्स होंगे ठीक है तो मतलब टूट जाएंगे जो जिनसे बने हैं जो इनके कंस्टिट्यूएंट कंपाउंड्स होंगे उनके अंदर यह जो है आपके पास वो डिजॉल्व हो जाते हैं ठीक है तो डबल सॉल्ट्स जो होंगे वो इनकी डेफिनेशन हमारे पास क्या रहेगी कि ऐसे सॉल्ट्स जो कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टल लैटिस में ही एग्जिस्ट करते हैं बट ठीक है बट दे ब्रेक डाउन ठीक है वो टूट जाएंगे ठीक है बट दे ब्रेक डाउन किसके अंदर बट दे ब्रेक डाउन इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट्स, इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट्स, ठीक है कंस्टिचुएंट्स कौन से चीजें जो आपके कंपाउंडस होंगे जिनसे वो बने हैं ठीक है डबल सॉल्ट आपका क्या होगा सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलाइटिस में ही एग्जिस्ट करता है इसको हम एग्जाम्पल से भी स्टडी करेंगे अभी वहाँ पर आपको ज़्यादा क्लियर होगा तो अभी फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान में रखो कि डबल सॉल्ट हमारे पास क्या चीज है कि ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ क्रिस्टलाइटिस में ही एग्जिस्ट करेंगे लेकिन अगर मैं इनको डिजो्व करूँ ठीक है वो तब तब ये आपके पास टूट जाएंगे उनके जो कंसिस्टेंट कंपाउंडस होंगे उनके अंदर ठीक है कब टूटेंगे ये वैन डिज़ोल्ड इन जब इनको हम डिज़ोल्व करेंगे वाटर के अंदर और एनी अदर सॉल्वेंट, ठीक है तो ये हमारे पास डबल सॉल्ट होते हैं ठीक है दैट मीन्स ये जो कंपाउंड होते हैं हमारे पास ठीक है ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड स्टेट में ही हमारे पास स्टेबल होते हैं पहली चीज आपने ध्यान में क्या रखनी है डबल सॉल्ट सिर्फ और सिर्फ हमारे पास सॉलिड स्टेट के अंदर ही आपके पास स्टेबल है लेकिन जब भी हम इनको वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे या फिर किसी और अगर सॉल्वेंट के अंदर अगर डिजोल्व करते हैं ठीक है तो हमारे पास क्या होगा इनकी जो लैटिस होगी वो टूट जाएगी हमारे पास ठीक है और जिनसे जो इनके हमारे पास इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर ये डिकम्पोज हो जाएंगे एग्जाम्पल लेते हैं वहां से आपको ज़्यादा क्लियर होगा ठीक है तो डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल है हमारे पास जैसे आपके पास सॉल्ट होते हैं हमारे पास पोटाश आलम या फिर आपके पास मोहर सॉल्ट ठीक है मोहर सॉल्ट आपके पास ऐसा सॉल्ट है जिसको आप सभी ने स्टडी किया ही है ठीक है आप सभी को इसके बारे में पता है तो मोहर सॉल्ट आपके पास क्या होता है दिस इज अवर फेरा सल्फेट ठीक है इसका जो फार्मूला है दिस इज फेरा सल्फेट अमोनियम सल्फेट और साथ में हमारे पास इसके अंदर होता है सिक्स वाटर ठीक है सो दिस इज अवर डबल सॉल्ट ठीक है सो ये मोहर सॉल्ट का एग्जाम्पल है हमारे पास मोर uh, सॉल्ट जो है हमारे पास दिस इज़ अ डबल सॉल्ट तो इसको स्टडी करेंगे हम ये किस तरह से आपके पास सिर्फ और सिर्फ प्रिस्टिलाइटिस में ही एग्जिस्ट करता है और ये कैसे टूट जाता है टू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स जब हम इसको डिजो्व करेंगे वाटर या एनी अदर सॉल्वेंट के अंदर तो पहली चीज़ तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि मोर सॉल्ट जो है बनता कैसे है ठीक है तो बनता कैसे है जब हमारे पास फेरस सल्फेट कंबाइन करेगा अमोनियम सल्फेट के साथ अलॉन्ग विद वाटर ठीक है जब फेरस सल्फेट एफ ई एस ओ फोर कंबाइन करेगा अमोनियम सल्फेट के साथ अलॉन्ग विद सिक्स वाटर तब हमारे पास इस पूरे सॉल्ट की जो आपके पास फॉर्मेशन होगी ठीक है इसको हम डबल सॉल्ट बोलते हैं लेकिन जब मैं इस कंपाउंड को वाटर के अंदर डिजोल्व कर दूंगा ठीक है जब मैं इस कंपाउंड को वाटर के अंदर डिजोल्व करूंगा तो हमारे पास क्या होगा ये जो कंपाउंड होगा अब ये सच नहीं रहेगा ठीक है सच नहीं रहेगा दैट मीन्स जो कंपाउंड जो है इसकी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है ठीक है ये जो कंपाउंड कम्पाउंड सच है अब ये ऐसा नहीं रहेगा अभी अपनी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है उसको लूज़ कर देगा ठीक है लूज कर देगा दैट मीन जिनसे ये बना हुआ है जो इनके कंस्टिट्यूएंट आइन है किस किस से बना है सल्फेट बना है आयरन आयन और सल्फेट आयन ठीक है फैरस आयन आपके इसके अंदर मेन आयन है ठीक है मेटल आयन जो है आपके सिमिलरली यहां पे आपका अमोनियम आयन है ठीक है तो ये इनके अंदर जो है आपके पास टूट जाएगा ठीक है तो जब हम इसको वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे वी आर गेटिंग यहां से हमारे पास फेरस आयन बन जाएगा ठीक है एफ सी प्लस टू आयन अलॉन्ग विद हमारे पास सल्फेट आयन आ जाएंगे ठीक है यहाँ से भी सल्फेट है इधर से भी सल्फेट आ रहे हैं हमारे पास तो टोटल हमारे पास दो सल्फेट आए आ जाएंगे अलॉन्ग विद वी आर गेटिंग अमोनियम आयन ठीक है यहाँ से हमारे पास दो अमोनियम आयन आ जाएंगे दैट मीन्स जब हमने मोर सॉल्ट को दिस इज अव डबल सॉल्ट जब मैंने इसको वाटर के अंदर डिजॉल्व किया वी आर गेटिंग फेरस आयन सल्फेट आयन एंड अमोनियम आयन दैट मीन्स अब हमारे पास अनदर uh, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको समझनी है वो हुआ क्या कि हमारे पास ये डबल सॉल्ट था जब मैंने इसको डिजोल्व किया ठीक है जब मैंने इसको डिजॉल्व किया सॉल्वेंट के अंदर तो ये खुद टूट गया सारा का सारा ठीक है ये ऐसच नहीं रहा दैट मीन्स इसने अपने क्या किया जो इसकी अपनी आइडेंटिटी थी वो उसको रिटेन नहीं कर पाया दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ठीक है जो आइडेंटिटी है मोहर सॉल्ट अपनी उसको ये रिटेन नहीं कर पाया सॉल्यूशन के अंदर ठीक है उसको इसने तोड़ दिया तोड़ा किसके अंदर जो इसके ओरिजिनल कंस्टिट्यूएंट्स हैं जहाँ से ये बन बना है ठीक है फेरस सल्फेट बना है फेरस आयन के और सल्फेट आयन की फॉर्मेशन से ठीक है तो इनके अंदर कन्वर्ट हो गया सिमिलरली अमोनियम सल्फेट अमोनियम आयन एंड सल्फेट के अंदर कन्वर्ट हो गया एंड साथ में वाटर हमारा सॉलवेंट है वाटर एस चाह जाएगा ठीक है तो ये चीज आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ध्यान में रखनी है कि डबल जो होते हैं दे डू नॉट रिटेन देयर आइडेंटिटी ठीक है डबल सोल्ट डबल सॉल्ट डू नॉट रिटेन देयर आइडेंटिटी ठीक है दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दैट डबल कोडिनेशन जो है दे डू नॉट रिटेन देयर आइडेंटिटी ठीक है आइडेंटिटी जो है अपनी वो रिटेन नहीं करते हैं कब रिटेन नहीं करते हैं यह भी ध्यान में रखना है इन सॉल्यूशंस ठीक है दे डू नॉट रिटेन देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशंस ठीक है तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा अब तक थो. तो और बिसाइड कुछ एक चीजें और भी हैं डबल सॉल्ट के रिगार्डिंग कि जैसे हमारे पास डबल सॉल्ट्स होते हैं जैसे मैंने आपको कहा सिर्फ और सिर्फ सॉलिड स्टेट में ही हमारे पास स्टेबल रहेंगे लेटिस uh, इनकी टूट जाती है जब इनको वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे या आप, आपके पास कोई और सॉल्वेंट होगा ठीक है तो आपके पास डिकम्पोज कर जाएंगे जो इनके इंडिविजुअल कंपोनेंट थे उनके अंदर ठीक है अब नेक्स्ट थिंग इनके अंदर क्या आती है कि जो डबल सॉल्ट होते हैं हमारे पास इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ठीक है ये जो पूरा डबल सॉल्ट है इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो डिपेंड किसके ऊपर करती हैं वो मेनली डिपेंड करती है ये जो आपके पास इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ठीक है जैसी इनकी प्रॉपर्टीज़ होगी दैट मींस जो हमारा मोर सॉल्ट है इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो डिपेंड करेगी फेरो सल्फेट की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर और साथ में हमारे पास अमोनियम सल्फेट की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर दैट मीन्स जैसा फेरो सल्फेट बिहेव करेगा और अमोनियम सल्फेट बिहेव करेगा मोर सॉल्ट भी एस सच ही बिहेव करेगा तो आप बोल सकते हैं कि जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होंगी डबल सॉल्ट की दैट इज़ हमारे पास जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी जब हमारे पास मोहर सॉल्ट का जो सॉल्यूशन होगा उसकी ठीक है तो बिल्कुल वो आपके पास आइडेंटिकल होंगी किसके सोल्यूशन के साथ जो हमारे पास मिक्सचर होगा फेरा सल्फेट और अमोनियम सल्फेट का जो हमारे पास मिक्सचर होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ की तरह ही आपके पास ये सेम रहेंगी दैट इज़ हमारी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अब जो हमारे पास सेकंड जो मैंने आपको थिंग बोली थी कि हमारे पास जब हमने वेपोरेट कर दिया आपके पास सोल्यूशन जो हमारे पास जो हमारे पास कंपाउंड बचेगा जिनको हम दो टाइप में कैटेगराइज़ कर रहे हैं वन इज़ डबल सॉल्ट तो डबल सॉल्ट जिसके हमने मोर सॉल्ट को लेके एग्जाम्पल दिया था ठीक है तो सेकंड जो हमारी प्रॉपर्टीज़ जो इस कंपाउंड को जो हम कैटेगराइज करेंगे दैट इज़ अवर मेन जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं पूरा इस चैप्टर के अंदर दैट इज़ अवर कोआर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है दैट इज अवर कोआर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो आई थिंक आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस तो अब यहीं से क्लियर हो जाएगा कि मैं आइडेंटिटी के ऊपर बात कर रहा हूँ ठीक है कि कंपाउंड जो होता है वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है डबल सॉल्ट जो है सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर तो दैट मींस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इससे डेफिनेटली डिफर करेगा क्योंकि अगर दोनों एक जैसे होते तो फिर तो इन दोनों को कंपेयर करने की तो कोई बात ही नहीं रहती हमारे पास तो दैट मीन्स हमारे पास हुआ क्या कि, कि जो कॉर्डिनेशन कंपाउंड होगा दीज आर द कंपाउंड विच डू नॉट सॉरी क्या था हाँ कॉर्डिनेशन कंपाउंड जो है आपके पास दीज आर द कंपाउंड जैसे हमारे पास डबल सॉल्व हैं दे डू नॉट रिटेन दे आइडेंटिटी मतलब अपनी आइडेंटिटी रिटेन नहीं कर पाए तो क्वारडिनेशन कंपाउंड कैसे कंपाउंड होंगे विच डू रिटेन दे आइडेंटिटी विच डज रिटेन देयर आइडेंटिटी दैट मीन्स ऐसे कंपाउंड जो अपनी आइडेंटिटी रिटेन करेंगे ठीक है विच रिटेन दर आइडेंटिटी किस फॉर्म में इन सॉल्यूशन फॉर्म तो ये आपके पास सबसे बड़ा डिफरेंस है दिस इज़ द मेन मेजर डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एज वेल एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की डबल सॉल्ट जो हैं अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं ठीक है वो रिटेन नहीं कर पाते हैं सोल्यूशन के अंदर लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो अपनी आइडेंटिटी जो है उसको रिटेन करेंगे सोल्यूशन फॉर्म के अंदर तो आप बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स होते हैं विच रिटेन द आइडेंटिटी चाहे हम उनको हम किसी भी वाटर चाहे हम उनको वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं या कोई और सॉल्वेंट होता है आपके पास और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी अब जैसे हमने डबल सॉल्ट के अंदर कहा ठीक है सॉल्ट की प्रॉपर्टीज़ हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड कर रही है जो मिक्सचर होगा हमारे पास फायरा सल्फेट और अमोनियम सल्फेट का उसके ऊपर डिपेंड करेगी तो दैट मीन्स क्वारिनेशन कंपाउंड्स के अंदर ऐसा नहीं होगा यहाँ पर आपके कंपाउंड जो अपनी आइडेंटिटी जो है उसको रिटेन कर रहे हैं दैट मीन्स अब इन जो इनकी प्रॉपर्टीज़ होगी जिनसे ये बने हैं जो इनके कंस्टिट्यूएंट होंगे उनसे वो डिफ़र कर जाएगी ठीक है तो कोऑर्डिनेशन कम्पाउंड जो है दे कैन बी डिफाइंड एज डेफिनेशन ही आपके पास बन जाती है कि ऐसे कंपाउंड विच रिटेन देयर आइडेंटिटी इन दी वैन दे आर डिजोल्ड इन वाटर या फिर आप बोल सकते हैं और एनी अदर सॉल्वेंट ठीक है जून या वाटर ही हो कोई और सॉल्वेंट भी हो आपके पास हो सकता है और इनकी जो प्रॉपर्टीज होगी दे आर कंप्लीटली डिफरेंट ठीक है ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो कंप्लीटली डिफरेंट होंगी किससे जो इनके कंस्टिट्यूएंट्स हैं जिनसे ये बने हैं ठीक है एग्जाम्पल के साथ चलते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपके पास सपोज आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ निक्कल ठीक है आपके पास निक्कल का सोल्यूशन है सपोज आई एम टेकिंग निक्कल टू है निक्क्कल क्लोराइड ठीक है निक्कल क्लोराइड है मेरे पास तो अगर मैं निक्कल क्लोराइड जो है इसको डिजोल्व करता हूँ इसके अंदर मैं आपके पास अमोनिया ऐड करता हूँ ठीक है इफ़ आई एम एडिंग अमोनिया इन द निक्कल टू सोल्यूशन तो आपको पता है कि निक्कल टू का जो सोल्यूशन होता है दिस इज़ ग्रीन इन कलर ठीक है निकल टू जो होता है निकल क्लोराइड दिस इज़ ग्रीन इन कलर अपॉन द एडिशन ऑफ अमोनिया जब मैं इसके अंदर अमोनिया ऐड करूंगा वी आर गेटिंग अ कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स हमारे पास एक कम्प्लेक्स बनेगा दैट इज़ निक्कल हैक्सा माइन टू ठीक है एंड दिस कम्पलेक्स इज पर्पल इन कलर ठीक है ये कॉर्डिनेशन कम्प्लेक्स और ये पर्पल होता है कलर में ठीक है तो जैसे मैंने आपके पास चलो निकल टू की जगह मैं निकल क्लोराइड लिख लेता हूँ ठीक है आपको ज़्यादा क्लियर करने के लिए दिस इज निक्टो क्लोराइड मैंने यहाँ पे अमोनिया डाल दिया ठीक है सिमिलर रिएक्शन हैं अगर आपने ट्रांजिशन uh, मेटल वाले जो मेरे लेक्चर्स है अगर आपने ध्यान से देखा हो जिस एक लेक्चर में मैंने कलर वाले लेक्चर में सेम एग्ज़ाम्पल लिया था आपके पास तो वही चीज़ यहाँ पर हम रिपीट कर रहे हैं दोबारा से तो यहाँ पर हमारे पास जो कम्प्लेक्स बन के आएगा सो दिस इज़ दिस कम्प्लेक्स ठीक है ये जो कम्प्लेक्स होगा दिस इज अवर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ठीक है ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और दिस कंपाउंड इज़ पर्पल इन कलर ठीक है तो अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखो इस रिएक्शन में हुआ क्या हमारे पास इस रिएक्शन में हमारे पास क्या हुआ कि जो ग्रीन सोल्यूशन था ठीक है जब मैंने ग्रीन सोल्यूशन के अंदर निकल टू के ग्रीन सोल्यूशन के अंदर जब मैंने अमोनिया के एडिशन की मेरे पास कलर चेंज हो कलर चेंज हो गया आपके पास पर्पल बन के आ गया तो जो पर्पल कलर बन के आया आपके पास दिस इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस कम्पलेक्स ठीक है तो ये जो आयन मेरा बना सारा का सारा ठीक है दिस इज़ हेक्सा माइन निकल टू आयन ये जो बन के आया इसको हम बोलते हैं आपके पास दिस इज़ कॉल्ड एज योर कम्पलेक्स आयन ठीक है ये हमारा कम्प्लेक्स साइन बन के आ गया है ठीक है तो अगर मैं क्या क्या करूँ अब ये जो मेरा सोल्यूशन बन के आ गया अगर मैं इस सोल्यूशन को अब इवेपोरेट करता हूँ ठीक है इस सॉल्यूशन को मैं वेपोरेट कर दूँ तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास ग्रीन कलर का सोल्यूशन बन के नहीं आएगा अब हमारे पास ये पर्पल कलर का सॉल्यूशन ही रहेगा ठीक है अगर मैं इस सोलूशन को ये पर्पल सोल्यूशन है अगर मैं इसको वैपोरेट कर देता हूँ ठीक है तब ऐसा नहीं कि वहाँ से वेपोरेट करने के बाद हमारे पास निकल ही बच जाएगा ठीक है तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि अगर मान लो हम रिएक्शन करने जा रहे हैं हमने ग्रीन सोलूशन लिया हुआ है निकल का उसके अंदर मैंने अमोनिया डाल दिया और हमारे पास पर्पल कलर का फॉर्मेशन जो है वहाँ पर हो गई है हमारे पास अब मैं अगर सोल्यूशन को वैपोरेट करता हूँ तो ऐसा नहीं कि वहाँ पर आपके पास ये कंपाउंड जो है वो टूट के आपके पास ओरिजिनली जो निकल टू और अमोनिया थे उनको बना देगा ठीक है अपॉन वैपोरेशन ठीक है ये कंपाउंड हमारे पास पर्पल ही रहेगा तो इस कंपाउंड को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं ठीक है तो जो क्रिस्टल हमने डिज़ोल्व किए हैं वाटर के अंदर ठीक है जो हमने क्रिस्टल हमने जब इसके हमने वाटर के अंदर डिजोल्व किए तो वहाँ से हमारे पास कोई एविडेंस नहीं निकल रहा है कि हमारे पास वहाँ पे फ्री निकल आयन रहेंगे और साथ में हमारे पास अमोनिया मोलिक्यूल जो है वो बन के आएगा तो ये कुछ एक चीज़ें हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर तो आपको ये ध्यान में रखना है कि मान लो कि हमने निकल टू और अमोनिया का हमने आपस में रिएक्शन की हमारे पास ये कंपाउंड बन के आ गया अब अगर मैं इस कंपाउंड को दोबारा से वाटर के अंदर डिजोल्व करता हूँ और उसके बाद मैं इसको एवेपोरेट करता हूँ तो ऐसा नहीं है एवेपोरेट करने के बाद कि हमारे पास निकल टू आयन अलग हो जाएगा और अमोनिया अलग हो जाएगा ठीक है जब हम इस कंपाउंड को दोबारा से वाटर के अंदर वैपोरेट करेंगे तो हमारे पास ये कंपाउंड एसअच ही रहेगा दैट मीन्स तभी आपके पास अपने आप को रिटेन कर रहा है अपनी आइडेंटिटी को ठीक है तो ये डिफरेंस है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का फ्रॉम दैट ऑफ डबल सॉल्ट्स कि जो कंपाउंड होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी एसच रखते हैं ठीक है डबल सॉल्ट के अंदर जो हमारे डबल सॉल्ट थे उनके अंदर हमारे पास क्या था कि जब हम उनको वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं वो खुद टूट के अपने जो कंस्टिट्यूएंट कंस्टिटेंट आयसे उनके अंदर आपके पास स्प्लिट अप हो जाते हैं लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा ये जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जब मैं इसको वाटर के अंदर डिजोल्व करूँगा तो ये जो हमारा कम्प्लेक्स है ये एसच रहेगा ठीक है दैट इज़ जो हमारे पास ये जो कंप्लेक्स है हमारा निक्कल माइन ठीक है ये जो हमारा कंप्लेक्स है ठीक है अगर मैं इसको वाटर के अंदर डिजोल्व करता हूँ ठीक है तो वो डिजोल डिज़ोल्व करने के बाद इसकी जो आइनाइजेशन होगी वाटर के अंदर ठीक है दिस विल गिव यू दिस थिंग हमारे पास ये बन के आएगा ठीक है जिसको मैं बोल रहा हूँ कि अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा ठीक है अलॉन्ग विद टू क्लोराइड आए तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जो हमारा कंपाउंड है जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा ठीक है जब हम इसको हम वाटर के अंदर डाल के दोबारा से इवेपोरेट करेंगे ठीक है तो ये अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करेगा ठीक है तो ये जो कंपाउंड होगा वो आपके पास पर्पल ही रहेगा ठीक है सो मतलब हमारे पास बोलने का मतलब क्या है कि ये जो टर्म मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है ये आयनाइज नहीं करेगी बस ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपके पास जो भी चीज़ है वो आयनाइज नहीं करती है ठीक है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिमिलरली हमारे पास अनदर एग्जाम्पल भी हैं जैसे अगर आप सभी को पता ही है कि हमारे पास एक और कम्प्लेक्स है दैट इज अवर एक और कम्प्लेक्स बनाते हैं हम सिल्वर क्लोराइड हमारा ए जी सी एल दिस इज़ वाइट इन कलर ठीक है क्वालिटेटिव एनालिसिस में आप सभी ने uh, इसकी फॉर्मेशन तो की ही है ठीक है ड्यूरिंग दी एलोजन टेस्ट में ठीक है क्लोराइड आयन जो होता है हमारे पास उसको हम प्रेसिपिटेट आउट करते हैं बाई यूजिंग सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट ठीक है तो जो ए जो होता है इसके जो वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं हमारे पास वो आपके पास डिजोल्व हो जाते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर दैट इज़ अमोनिया सोल्यूशन ठीक है तो हमारे पास यहाँ पे एक स्टेबल कम्प्लेक्स बनता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दैट ऐसा होता है हमारे पास ये जो सॉल्युबल कम्प्लेक्स बनता है दिस इज अवर सिल्वर माइन ठीक है हमारे पास ये कम्प्लेक्स बन के आएगा सो दिस इज़ सॉल्युबल ठीक है इसकी वजह से हमारे पास वो जो वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं हमारे पास वो सॉल्युबल होते हैं ठीक है सो दिस इज़ अवर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ठीक है तो अगर मैं इसको uh, इस कंपाउंड को अगर आयनाइज़ करूँ ठीक है इफ़ आई विल आयनाइज दिस कंपाउंड तो ये अपॉन आयनाइजेशन दिस विल गिव यू डायमाइन सिल्वर एंड प्लस वन चार्ज अलोंग विद क्लोराइड है ठीक है तो ध्यान में क्या रखना है ये जो स्केयर ब्रैकेट के अंदर मैंने जो टर्म लिखी हुई है ये आइनाइज नहीं होती है ठीक है तो ये चीज़ है आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर सबसे मेन ठीक है डबल सॉल्ट से यही डिफ्रेंशिएट है इनका कि डबल सॉल्ट अगर डबल सॉल्ट होता तो ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं होनी थी ठीक है सिल्वर आयन अलग हो जाता अमोनिया अलग हो जाता लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर क्या है ये जो चीज बन के आई आपके पास जो कंपाउंड बन के आया ठीक है ये एस एच रिटेन रहेगा ठीक है सो दिस इज अवर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ठीक है अब हमारे पास जो नेक्स्ट थिंग है जो हम नेक्स्ट थिंग जो स्टडी करेंगे वो कुछ एक आपके पास बेसिक टर्म्स हैं हमारे पास जो इनके अंदर यूज होती है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर तो कुछ एक जो बेसिक टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर अब हम सभी वन बाय वन उन सभी को हम डिस्कस करेंगे ठीक है तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमारे पास ऐसे कंपाउंड होंगे जो अपनी आइडेंटिटी जो है वो उसको लूज़ नहीं करेंगे उसको रिटेन करेंगे चाहे फिर वो सोल्यूशन फॉर्म हो चाहे फिर आपके पास सॉलिड फॉर्म में हो ठीक है और बनते कैसे हैं ये आपके पास दो और दो और स्टेबल मॉलिक्यूल्स जो होंगे डिफरेंट स्पीसीज के उनकी कम्बिनेशन से बनेंगे ठीक है तो अब जो हम नेक्स्ट थिंग की जो बात कर रहे हैं दैट इज़ अवर बेसिक जो हम कुछ एक टर्म्स इसके अंदर यूज़ करेंगे जो बार बार यूज़ होती हैं आपके पास कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर ठीक है तो उनके बारे में आपको हल्की सी नॉलेज होनी चाहिए कि वो क्या क्या चीज़ें हैं तो सबसे पहली जो चीज़ मैं लिखने जा रहा हूँ दैट इज़ सम बेसिक टर्म्स कुछ डेफिनेशनस हैं हमारे पास ठीक है देर आर सम समेफिनेशन्स एंड सम कुछ टर्म्स जो हैं हमारे पास वो यहाँ पर यूज़ होती हैं ठीक है तो पहली जो टर्म मैं यूज़ करने जा रहा हूँ दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री दैट इज़ अवर लीगेंट ठीक है जो पहली टर्म मैं यूज़ करने जा रहा हूँ दैट इज़ अवर लीगेंट आपने बार बार सुना होगा इस टर्म के बारे में बहुत बार हम बोलते हैं लीगेंट ठीक है तो क्या चीज़ होती है आपके पास कोई भी स्पीसीज ठीक है एनी स्पीसीस ठीक है एनी स्पीसीस कोई भी स्पीसीज चाहे वो आयन हो या फिर वो मोलिक्यूल हो ठीक है एनी स्पीसीज दैट इज या तो वो आयन हो या फिर आपके पास मोलिक्यूल हो दैट हैव एटलीस्ट दैट हैव एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है एनी स्पीसीज दैट हैव दैट हैव एटलीस्ट कम से कम एक तो होना ही चाहिए ठीक है एनी स्पीसीज दैट हैव एटलीस्ट क्या होना चाहिए वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है एनी स्पीसीज विच हैज एट लीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना ही नहीं चाहिए साथ में उसकी टेंडेंसी होनी भी चाहिए कि वो किसी को दे सके ठीक है एनी स्पीसीज विच हैव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ठीक है साथ में एंड एंड दैट कैन डोनेट इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है दैट कैन डोनेट इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है देना किसको अब तो टू दी मेटल कैटाइन ठीक है टू मेटल कैटाइन इज कॉल्ड एज अवर लीगेंड ठीक है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर लीगेंड तो आपके पास डेफिनेटली कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री दो चीजों से बन के आती है वन इज लीगेंड अदर इज अवर मेटल ठीक है मेटल एटम कौन सा है केटायन कौन सा है हमारा ठीक है और साथ में हमारा लीगेंड कौन सा है या आपस में कंबाइन करेंगे तभी हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन के आएगा तो लिगेंड आपने ध्यान में रखना है कोई भी आपके पास स्पीसीज चाहे आयन हो चाहे वो आपका मोलिक्यूल हो ठीक है आयन है और मोलिक्यूल है दैट मीन्स अब ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है ऐसा नहीं है कि मोलिक्यूल ही हो आयन भी हो सकता है ठीक है तो उसके पास होना क्या चाहिए एटलीस्ट एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ज़्यादा से ज्यादा जितने जितने मर्जी हों पर एक तो होना चाहिए एटलीस्ट आपके पास और वो जो लोन पेयर है आपके पास ठीक है वो आपके पास दे भी सके किसी मेटल कटायन को ठीक है इसको हम बोलते हैं लीगेंट अब हमने एक चैप्टर स्टडी किया था थोड़ा सा एसिड एंड बेसिस का ठीक है उसके अंदर हमने ज़्यादा तो अभी तक स्टडी नहीं किया है लेकिन उसके अंदर हमने आ, कुछ एक जो आपके बेसिक एसिड बेस के कंसेप्ट थे उसको मैंने स्टडी करवाया था आपको कि एसिड बेसिस के जो कंसेप्ट होते हैं उनको आप स्टडी करो बाकी जो लेटर ऑन हम धीरे धीरे उस चैप्टर को हम बाद में करेंगे तो उस चैप्टर के अंदर आपको ध्यान में आ रहा हो कि हमारे पास एक डेफिनेशन थी लुइस एसिड एंड लुइस बेस ठीक है तो मैंने कहा था कि एनी स्पीसीज विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज अवर लुइस बेस ठीक है तो आप देख सकते हैं लीगेंड में भी यही डेफिनेशन आ रही है एनी स्पीसिस दैट कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो दैट मीन्स लीगेंड जो है बेसिस ठीक है तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि लीगेंड जो है वो लुइस बेसिस जो है वो बिहेव करेंगे लुइस बेसिस बिहेव करेंगे या फिर आपके पास ये न्यूक्लियर फाइल जो है वो एज सच एज आ न्यूक्लियर फाइल जो है वो बिहेव करेंगे ठीक है अब सेकेंड थिंग जो हमारे पास आएगी आ, मैं अभी लीगेंड की क्लासिफिकेशन के ऊपर नहीं जाऊँगा लीगेंट की क्लासिफिकेशन के ऊपर मैं बाद में आऊँगा थोड़ा सा पहले हम कुछ एक बेसिक सी चीज़ें कर लेते हैं उसके बाद हम लीगेंट्स को क्लासीफाई करेंगे सेकेंड uh, थिंग जो है हमारे पास दैट इज अवर मेटल कटायन ठीक है दैट इज अवर मेटल कटायन ठीक है सेकेंड थिंग जो है हमारे पास वो मेटल कटायन है तो मेटल कटाइन हमारे पास क्या होगा दिस इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशेंट स्पीसीज तो ये ध्यान में रखना कि मेटल जो है हमारे पास वो क्या होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशेंट स्पीसीज होगी लीगेंट इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है अब सेम कंसेप्ट आ गया आपके पास एसिड बेस का कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज जो होती हैं विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे बिहेव एज अब आप कहोगे कि वो होती हैं हमारे पास लुइस एसिड्स बिल्कुल राइट यही होती हैं ठीक है थीके? तो एनी इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट स्पीसीज विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिहेव एज अ लुइस एसिड तो दैट मीन्स बेटर कटाइन हमारे पास क्या होंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट स्पीसीज होंगे और ठीक है एंड दे हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है तो मेटल कैटाइन हमारे पास कैसे हो गए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होंगी कैटाइन है डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज होगा दैट मीनस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हो चुके हैं ठीक है किटाइन तभी बनता है जब आपके पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ठीक है जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा दैट मीस आपके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो चुकी है तो उसके पास टेंडेंसी है कि वो जो उसके पास कमी हुई है उन इलेक्ट्रॉन को एटलीस्ट पूरा कर सके तो दैट मीन्स इट हैज़ अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से और भी ज़्यादा ले सकता है तो दैट मीन्स हमारे पास क्या होगा वो एज अ एसिड बिहेव करेगा या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं या फिर आपके पास इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बिहेव करेगा ठीक है इट बिहेव एज अ इलेक्ट्रोफाइल तो मेटल कटाइन जो है या तो लुइस एसिड बिहेव करेगा या फिर आप इसको एज इलेक्ट्रोफाइल भी बोल सकते हैं ठीक है तो पूरी को हमारे जो कंपाउंड्स होते हैं वो मेनली इन्हीं दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं इनका इंटरेक्शन बिटवीन द लीगेंट्स एंड द मेटल कटाइन तो दैट मीन्स हमारे पास अब हमने करना क्या है ठीक है अब हमारे पास लीगेंट भी आ गया है दैट इज़ अवर लुइस uh, बेस या फिर आप इसको न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं और मेटल का टाइन भी हमें मिल चुका है दैट इज़ अबर लुइस एसिड या फिर आपके पास इलेक्ट्रोफाइल तो आपको पता है कि न्यूक्फाइड और इलेक्ट्रोफाइल में तो आपस में इंटरेक्शन होगी सिमिलरली लुइस एसिड और लुइस बेस आपस में कंबाइन करेंगे सॉल्ट फॉर्मेशन जो आप बोल रहे थे ठीक है जैसे आप बोलते हैं सॉल्ट एसिड बेस कंबाइन करते हैं तो सॉल्ट बनता है आपके पास ठीक है वो सब चीज़ें आप हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगी तो, तो दैट मीनस हमारे पास कॉर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या होगा अब अब हमारे पास इंटरेक्शन होगी विद दी लीगेंड अलॉन्ग विद दी मेटल कटायन ठीक है तो जब भी हमारे पास मेटल कटायन और लीगेंड के बीच में हमारे पास रिएक्शन होगी देर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड और ठीक है और वो बॉन्ड कौन बना रहा है ठीक है तो ये भी आपने ध्यान में रखना है दिस इज अवर मेटल कटायन ठीक है मैं इसके ऊपर पहले प्लस चार्ज लिख रहा हूँ कटायन है आपके पास लॉ क्योंकि कमी है अब ये इंटरेक्ट कर रहा है विद द लीगेंड ठीक है अब ऐसा नहीं लीगेंड एक ही हो सकता है लीगेंट और भी ज़्यादा भी हो सकते हैं ठीक है थीके? तो लीगेंट जो है ये तो हैं आपके पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीस मेटल जो है दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज दैट मींस इलेक्ट्रॉन पेयर यही बात कर रहे हैं हम कि लिगेंड जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे सके और मेटल इस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके तो दैट मीन्स लीगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है मेटल को ठीक है तो आप यहाँ से इजिली समझ सकते हैं कि किस तरह का बॉन्ड बन रहा है हमारे पास ठीक है ये जो बॉन्ड बन रहा है हमारे पास दिस इज अवर कोऑर्डिनेट कोवल बॉन्ड ठीक है दिस इज नॉट अवर आयनिक बॉन्ड ना ही हमारे पास ये कुछ अदर ना ही हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है दैट इज मेटल और लीगेंट जो आपस में म्यूचुअली शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को ठीक है यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि लीगेंड जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो मेटल को डोनेट कर रहा है तो दैट मीन्स द बॉन्ड फॉर्म इज अवर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ अपने ध्यान में रखनी है कि जो बॉन्ड बनेगा दिस इज अवर कॉर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ठीक है कॉर्डिनेट कोवल बॉन्ड तो ये चीज़ जो है आपके पास दिस इज द मेन बैकबोन ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आप हार्ट भी बोल सकते हैं इसको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का कि फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट एंड जो है दिस इज द मेन थिंग इन दी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ठीक है तो जब भी आपके पास मेटल और लिगेंट कंबाइन करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास जो बोंड बन के आएगा दिस इज़ ऑलवेज कोऑर्डिनेट कोवलेंट एंड अब हमारे पास जो नेक्स्ट थिंग है दैट इज़ अवर थर्ड थिंग जो हम स्टडी करेंगे दैट इज़ अवर कम्प्लेक्स आयन ठीक है नेक्स्ट थिंग जो हमारी है दैट इज अवर कम्पलेक्स साइन ऑलरेडी हमने ऊपर स्टडी भी किया है कम्प्लेक्स साइन को ठीक है तो कम्प्लेक्स साइन हमारे पास क्या होगा सिंपल uh, हमारे पास ये एक मेटल कटाइन होगा दिस इज सिंपली अ मेटल कटाइन दिस इज़ अ सिंपली मेटल कटाइन ठीक है मेटल कटाइन होगा हमारे पास और यहाँ पे हमारे पास क्या है इसके इसके साथ में आपके पास लीगेंट जो है वो अटैच्ड होंगे ठीक है अ मेटल कटाइन ठीक है विच इज़ अटैच्ड इज अटैच्ड ठीक है सिंपली आ मेटल कटाएन अटैच टू लीगेंट्स ठीक है सिंपली मेटल कटाएन अटैच टू लीगेंट्स ठीक है इज अटैच टू लीगेंट्स और वो अटैच कैसे होंगे बाय द कोऑर्डिनेट बोन्स ठीक है दे आर अटैच्ड बाय द कोऑर्डिनेट बोन्स ठीक है तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी कम्प्लेक्स साइन हमारे पास सिंपली क्या है कि एक मेटल कटाइन है ठीक है जैसे मैंने ये बनाया आपके पास तो ये आपके पास मेटल कटाइन होगा इसके साथ आपके पास सिंपली जो अलीगेंट जो हैं वो अटैच हो जाएंगे दिस इज कॉल्ड एज अवर सिंपल कम्प्लेक्स साइन या फिर सेकेंड डेफिनेशन तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया ही है कि हमारे पास ऐसा कंपाउंड ठीक है जो कि हमारे पास दो या दो से ज़्यादा स्टेबल केमिकल स्पीसीज से बनेगा ठीक है uh, आप बोल सकते हैं अ कंपाउंड इसकी जो अदर डेफिनेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ अ कंपाउंड a compound that results a compound that uh, results from the combination of from the uh, combination of two or more take get two or more stable a complex that uh, a compound that results from the combination of two or more stable uh, two or more stable chemical species टू और मोर स्टेबल केमिकल स्पीसीज ठीक है इनकी कम्बिनेशन से बनेगा और साथ में इसके अंदर हो क्या रहा है एंड इट रिटेन ठीक है ये अपनी जो आइडेंटिटी है इसको रिटेन करेगा एंड रिटेन इट्स आइडेंटिटी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ये अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करता है ठीक है इन दॉलिड इन द सॉलिड एज वेल एज डिजॉल्व स्टेट ठीक है जो आपकी सोल्यूशन स्टेट होगी उसके अंदर ये एज वेल एज डिज़ोल्ड स्टेट ठीक है ये तो ये दो डेफिनेशन है आपकी यहाँ पे कॉर्डी कंप्लेक्स साइन को लेकर कि सिंपली कटाइन है जिसके साथ आपके लीक अटैच होंगे कॉर्डिनेट बॉन्ड्स के साथ या फिर आपके पास एक कंपाउंड जो कि आपके पास दो या दो से ज़्यादा स्टेबल केमिकल स्पीसीज की कंबिनेशन से बनेगा और खुद की आइडेंटिटी को रिटेन करेगा चाहे आपके पास वो सॉलिड स्टेट हो चाहे वो आपके पास डिजॉल्व स्टेट हो एग्जाम्पल के तौर के ऊपर अब मैं दो तीन कंप्लेक्सेस लिखने जा रहा हूँ लाइक वी हैव कॉपर का एग्जाम्पल है मेरे पास कॉपर मोनिया ठीक है दिस इज़ कॉपर टेट्रामाइन सल्फेट ठीक है इसके अलावा हमने ऊपर ऑलरेडी लिखा था निक्क्ल कंप्लेक्स दैट इज़ हेक्सा माइन ठीक है दिस इज़ निक्कल टू यह आपके पास सारे के सारे कम्प्लेक्स हैं ठीक है दिस आर अवर कोर्डिनेशन कम्प्लेक्स या कम्प्लेक्स साइन बोल सकते हैं ठीक है तो इसके अंदर आप देख सकते हैं दिस इज़ कॉपर माइन कम्प्लेक्स ठीक है अगर मैं सल्फेट हटा देता हूँ तो यहाँ पे प्लस टू चार्ज आ जाएगा ठीक है अब यहाँ से आप देख ही सकते हैं जुड़ने की कम्पलेक्स जो है आपके पास न्यूट्रल ही हूँ जैसे ये आपके पास टोटली न्यूट्रल है ठीक है ये आपके पास चार्ज है ठीक है तो अगर मैं इसकी आइनाइजेशन करता हूँ अगर मैं इस कम्पलेक्स को आइनाइज कर दूँ ठीक है तो आपके पास आपको पता ही है दिस विल गिव यू हमारे पास टू पॉजिटिव अलॉन्ग विद सल्फेट ठीक है तो इस तरह से आपके पास कंप्लेक्स बन के आ जाएगा दिस कैन बी चलो ये तो कम्प्लेक्स आपका चार्ज कम्प्लेक्स ही था ठीक है जो मैं आपके पास बोलने जा रहा हूँ दैट इज़ के कम्प्लेक्स जो आपके पास चार्ज डी हो आपके पास कंप्लेक्स जो है वो आपके पास न्यूट्रल uh, भी हो सकते हैं तो न्यूट्रल कम्प्लेक्सिस के एग्जाम्पल है आपके पास जस्ट लाइक वी हैव कोबाल्ट ट्राईक्लोराइड एंड तीन अमोनिया ठीक है दिस इज अवर कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स जो कि आपके पास न्यूट्रल है ठीक है डिसाइड दैट हमारे पास जैसे प्लाटिनम टेट्रामाइन सी एल टू ठीक है ये आपके पास कम्प्लेक्सिस जो हैं ये न्यूट्रल है अगर मैं इन कंप्लेक्सीज को आइनाइज करूँ ठीक है तो बाहर हमारे पास कॉर्डिनेशन स्पीड का कोई भी आयन नहीं है जिससे इनके ऊपर चार्ज आएगा तो ये कम्पलेक्सेज आपके पास न्यूट्रल ही रहेंगे ठीक है तो ये कम्पलेक्सिस हमारे पास चार्ज है दीज आर अवर न्यूट्रल कम्पलेक्सेज ठीक है तो फिलहाल के लिए हम इस लेक्चर में आज इतना ही करते हैं ठीक है इसके अंदर हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को स्टडी किया है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमारे पास किस तरह से बनते हैं ठीक है डबल uh, सॉट हमारे पास क्या चीज़ है देन हम जो बेसिक आपके पास टर्मिनोलॉजी टर्मिनोलॉजी uh, है उसके ऊपर हम अभी अभी आए हैं जहाँ पे हमने लीगेंड्स मेटल कट और सिर्फ कम्पलेक्स आयन को स्टडी किया है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अदर जो हमारी टर्म्स होती हैं जो कॉर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम यूज़ करेंगे एंड द वेरी इंपॉर्टेंट हम क्लासिफिकेशन करेंगे लीगेंड्स की ठीक है तो इसको हम स्टडी करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर तब तक आप इस लेक्चर को ध्यान से सुने और इस चैप्टर को ध्यान से पढ़े जितना भी मैंने अभी तक करवाया है एक एक हर एक चीज़ यहाँ से आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली बार आप शायद इसको पढ़ेंगे आफ्टर योर स्कूल टाइम तो हर एक चीज़ आप ध्यान से सीखें ठीक है दिस इज़ वेरी इजी और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी रहेगा आपके लिए ये सो थैंक यू वेरी मच